नमस्कार, न्यूज़लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। शहर के ताजातरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों पर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। ताराटायर थाना क्षेत्र में अवैध बालू कारोबार के खिलाफ एसडीएम की छापेमारी। डंप कर रखा 1.25 लाख सीएफटी बालू किया जब्त। बेगाबाद के करमाटाल गांव में जमीन विवाद में जमकर हुई तीरबाजी। तीर लगने से एक व्यक्ति भी हुआ घायल। पुलिस के पहुंचने पर मामला हुआ शांत। सारथी सोसाइटी ने रक्तदान शिविर का किया आयोजन। 12 यूनिट रक्त किया गया संग्रह। और अनलॉक वन में भी गरीबों तक मदद पहुंचाने का सिलसिला जारी। जनकल्याण संगठन और रोटरी ग्रेटर ने जरूरतमंदों तक पहुंचाया राहत सामग्री। अब खबरें विस्तार से। गिरिडीह एसडीएम ने ताराटांड थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाकर 1.25 लाख डंप बालू जब्त किया है। इस दौरान एक ट्रैक्टर भी जब्त किया गया। ताराटांड थाना क्षेत्र के बदगुंदा कुंदलवादह मटकुरिया इलाके में बड़े पैमाने पर बालू डंप कर तस्करी किया जा रहा था। रविवार को गिरिडीह एसडीएम प्रेरणा दीक्षित ने इन इलाकों में छापेमारी कर डंप कर रखे गए 1.25 लाख सीएफटी बालू जब्त किया है। इस दौरान बालू लदा ट्रैक्टर भी जब्त किया गया है। छापेमारी में खनन पदाधिकारी सतीश कुमार, सीओ गांडे और थाना प्रभारी ताराटांड भी शामिल थे। इस संबंध में खनन पदाधिकारी सतीश कुमार ने कहा कि जब्त बालू की नीलामी की जाएगी और इस धंधे में शामिल लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। आज थाना पर विभिन्न जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें मंडल पुलिस पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, अंचल अधिकारी गांडे, थाना प्रभारी ताराटांड मौजूद थे। इसमें हम लोग विभिन्न जगहों पर बालू का स्टॉक जब्त किए हैं और एक ट्रैक्टर की भी जब्ती की गई, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। और जब्त जितने भी बालू का स्टॉक का जब्ती हुआ है उसको हम लोग नियमानुसार नीलामी के लिए से इसका निष्पादन कर रहे हैं। सर, कितना बालू लगभग पकड़ाया? लगभग 1 लाख सीएफटी हम लोग जब्त किए हैं विभिन्न लोकेशन पे, जिसको हम लोग फर्दर प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन बेगाबाद थाना क्षेत्र के करमाटाल गाँव में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में खुली संघर्ष हुआ। इस दौरान एक व्यक्ति तीर लगने से घायल हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बेगाबाद थाना क्षेत्र के करमाटाड़ गांव में रविवार को जमीन विवाद में खूनी संघर्ष हुआ। पूरा गांव रण क्षेत्र बन चुका था। दोनों तरफ से तीर और पत्थरबाजी की गई। इस घटना में एक व्यक्ति तीर लगने से घायल हो गया, जबकि एक का माथा भी फट गया। घटना की सूचना मिलते ही बेगाबाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद दोनों तरफ के लोग भाग खड़े हुए। पुलिस ने घायल लोगों को इलाज के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। वही पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। इसमें तो दो लोग इंजर्ड हैं, एक को अभी सिर फूटा हुआ है और एक आदमी को तीर लगा हुआ है। तो इन लोगों का इलाज वगैरह क्या? हाँ, अभी एक को रेफर किया गया है, दूसरा आदमी को भी रेफर अभी किया गया है। तो अभी इसको अस्पताल सदर अस्पताल जाएगा। अच्छा, तो उसा की लड़ाई झगड़ा कौन चीज हम ना जान रहे। तो ऐसा हमारे दामाद साहब चल गए थे, समझी साहब हमारे गिदर साहब है ना, तो हम गिर लिए। तो पाछू से के मारथिन देखबो ना कर लिए, वह सब मारथिन के मारते है ना, डंटा से मारथिन कथे से मारते। सारथी सोसाइटी व साई हॉस्पिटल के द्वारा संयुक्त रूप से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 12 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। कोरोना संकट के कारण ब्लड बैंकों में रक्त की भारी कमी हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए सारथी सोसाइटी व साई हॉस्पिटल के द्वारा रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन विधायक डॉक्टर सफराज अहमद, रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर तारकनाथ दे ने दीप जलाकर किया। शिविर में 12 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। शिविर में मुख्य रूप से राकेश मोदी, दिनेश खेतान, पूजा शर्मा, अमित कुमार जायसवाल, डॉक्टर अरविंद कुमार, रमेश यादव, अमित सोनकार, रिंकेश कुमार आदि मौजूद थे। महामारी, कोरोना महामारी के दौर में भी हमारे रक्त दाता एनजीओ किसी से कम नहीं है। इसी कड़ी में आज सारथी सोसाइटी ने साई हॉस्पिटल की मदद से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है।
लगभग 40 रक्त संग्रह का लक्ष्य रखा गया है। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि इस महामारी में भी आपने आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ब्लड बैंक को एक को सहयोग किया है। जैसा कि हम लोगों ने पहले भी बताया आपको कि रेडक्रॉस का हमेशा ये संकल्प रहा है कि रक्त की कमी से जिले में किसी को मरने नहीं दिया जाएगा, और ये संकल्प हम आप सबों की सहायता से, आप सबों के सहयोग से ही साकार कर पाते हैं। और आज तक जब से हम लोगों ने कार्यभार संभाला है, रक्त की कमी से जिले में किसी को हम लोगों ने मरने नहीं दिया है, और आगे भी हम ये प्रयास करेंगे आपका सहयोग इसी तरह हमेशा मिलता रहे। और जिले में जितने भी NGO हैं, जितने भी बैंक हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा कि आप लोग भी अपने अपने बैंक में NGO में आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और ब्लड डोनेशन कैंप करें, ताकि जिले में रक्त की कमी न हो। और ऐसे सीवाड़ी में रहती जमीन पर सरकारी नाले निर्माण को रोकने के लिए जमीन मालिक ने SDM को ज्ञापन सौंपा है। जमीन मालिक विजय बर्नवाल ने बताया कि कुछ भूमाफिया के इशारे पर उनकी जमीन हड़पने के लिए नाले निर्माण की साजिश रची गई है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सीहोडी में रहती जमीन पर नगर निगम द्वारा नाली निर्माण को रोकने के लिए जमीन मालिक विजय बर्नवाल ने SDM को ज्ञापन सौंपा है। विजय बर्नवाल ने बताया कि कुछ भूमाफिया के इशारे पर जमीन हड़पने के लिए नाली निर्माण की साजिश रची गई है। उन्होंने बताया कि स्थानीय वार्ड पार्षद भी उनके जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। हम लोग कल जो सरकारी जमीन में जो नाली बन रहा है वह सरासर हमारे निजी जमीन रहती जमीन पे बन रहा है, जिसको रुकवाने के लिए गया तो उसको गलत सलत प्रचार करके उसको बोला गया कि ये गलत मटेरियल के ख्याल से बोल रहा है, बना रहा है, इसके वजह से तोड़फोड़ करने के लिए ख्याल से आया, जबकि हम लोग उसमें मना करने गए थे कि मेरा रहती जमीन में नाली बन रहा है, उसको रोकने के लिए हम लोग गए थे। उसको दुष्प्रचार कर करके वहाँ के ग्रामीणों ने बगल वाले हमारे जो है सामने वाले जो उस जमीन को कब्जा किए हुए हैं वो लोग मतलब कि इसको गलत तरह से पेश करके और बोले कि जमीन का मटेरियल खराब दे रहा, नाली का मटेरियल बनाने में खराब दे रहा है, इसके लिए उलझन करने के लिए आया। तो ये सब गलत है। 2-3 आदमी हम लोग गए और जो कि रुकवाए उसको कि भाई मेरा रहती जमीन है और मेरा जमीन पे छोड़ करके नाली बनना चाहिए, इसके लिए हम लोग एप्लीकेशन नगर पालिका में दिए हुए हैं नगर निगम में। और फिर कल हम लोग SDO मैडम से भी बात किए तो वो फिर बोली कि ठीक है, इसका नापी होगा, उसके बाद बनेगा नाली, आश्वासन दिए हैं हमको। और इस संदर्भ में अशोक राम भी जो है वो अजय कुमार झा के पक्ष में वो सारा काम कर रहे हैं एक तरफा। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब हम लोग नाली का काम देखने गए थे, हम लोग अपना जमीन बचाने के लिए गए थे। और इसी क्रम में मतलब हम लोग पूछे कि कौन सा काम कर रहा है, कौन ठेकेदार का काम चल रहा है, मतलब यहाँ पे हमारा ये जमीन है, तो वहाँ का कुछ लोग जो आकर के हम लोग से झगड़ा झंझट लाठी डंडा निकाल करके जो नाली का निर्माण अभी हो रहा जिस जमीन पर, क्या वो जमीन आपका है? वो जमीन मेरा है। उन लोग अधिकारी के पास एप्लीकेशन दिए हुए हैं, नगर निगम में एप्लीकेशन दिए हुए हैं, अंचल अधिकारी के यहाँ एप्लीकेशन दिए हुए हैं, अनुमंडल अधिकारी के यहाँ एप्लीकेशन दिए हुए हैं। हमको आश्वासन यही मिला कि मतलब वहाँ पे मतलब कि अभी कोई भी निरीक्षण करके हम उस काम को बंद करवा देंगे, और अभी काम जब तक आपका कोई फैसला नहीं होगा तब तक काम नहीं होगा। इस संदर्भ में थाना प्रभारी के यहाँ मतलब वहाँ का वार्ड पार्षद भी जा करके बैठे थे, उनके सामने भी बात हुआ कि 2-3 दिन तक आप वेट कर लीजिए, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होता है, मतलब निरीक्षण नहीं होता तब तक कोई काम नहीं कीजिए। भाकपा माले ने रविवार को विश्वासघात सह अधिकार दिवस के रूप में मनाया और सरकार से प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार की मांग की है। भाकपा माले ने रविवार को विश्वासघात दिवस धिक्कार दिवस के रूप में मनाया। गांडे प्रखंड के कर्माटाण में भाकपा माले के राज्य कमेटी सदस्य राजेश यादव ने मजदूरों के लिए केंद्र सरकार से रोजगार की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के शुरुआती दौर में केंद्र सरकार ने देश को संकट में डालने का काम किया और बिना तैयारी के देशवासियों पर लॉकडाउन थोपकर करोड़ों लोगों का रोजगार छीनने का काम किया है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद, गरीबों के साथ शोषण नहीं चले जाओ, इनकलाब जिंदाबाद, भाकपा माले जिंदाबाद। वर्चुअल रैली नहीं, रोजगार चाहिए, रोजगार।
आज तमाम वाम दलों की ओर से देशव्यापी विश्वासघात और प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है, धिकार दिवस मनाया जा रहा है। इसके तहत में भाकपा माले सहित तमाम वाम संगठनों का सरकार से यह मांग है कि आज जिस तरीके से पूरे देश में इस समय लॉकडाउन में गरीबों का रोजगार पूरा मारा गया है, पूरे देश में आर्थिक संकट छाया हुआ है, पूरे देश के गरीब तबकों के सामने रोजगार का सवाल खड़ा है और दूसरी तरफ कोरोना वायरस भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस परिस्थिति में भाजपा आगामी चुनाव को के मद्देनजर जो रैली कर रही है, यह हम समझते हैं कि इस देश के लोगों के साथ एक विश्वासघात है और इसलिए इस सरकार पर, इस पूरे शासन पर हम लोगों को धिक्कार है। इसलिए आज विश्वासघात और धिक्कार दिवस के जरिए भाकपा माले सहित तमाम संगठन इस बात को मांग कर रहे हैं कि देश को इस समय वर्चुअल रैली नहीं बल्कि रोजगार की जरूरत है। जो भी प्रवासी मजदूर बाहर से आए हैं और पहले से भी जो मजदूर गांव में मौजूद हैं, किसानों के जो सवाल हैं, इस परिस्थिति को देखते हुए युद्ध स्तर पर सरकार पूरे देश में रोजगार की व्यवस्था करे, मजदूरी बढ़ाए, ये इस समय इस देश के लिए बहुत जरूरी है ताकि देश की गिरी हुई अर्थव्यवस्था फिर से पटरी पर आ सके। लेकिन ये सब करने के बजाय भाजपा सरकार 20 लाख करोड़ का जुमला देकर के अब पूरे देश की जनता को बरगलाने का काम कर रही है। इसलिए आज हमारी पार्टी वाम दलों के आह्वान पर हम लोग वर्चुअल रैली नहीं रोजगार चाहिए नारे के साथ आज हम लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं। समाज सेवी रूपेश सिंह ने रविवार को देवरी प्रखंड के नायकडी गांव में जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। इस दौरान वायरस से बचाव की भी जानकारी दी गई। देवरी प्रखंड के नायकडी गांव में जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष रूपेश कुमार सिंह ने जरूरतमंदों और गरीबों के बीच खाद्य सामग्री का वितरण किया। मौके पर उन्होंने ग्रामीणों को कोरोना वायरस से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की। इस दौरान राम कुमार सिन्हा आदि लोग भी मौजूद थे। नहीं, तीनों औरत का क्या दिक्कत है? इन लोगों को भी स्थिति बहुत गंभीर है सर। इन लोगों दोनों का हस्बैंड नहीं, उसका हस्बैंड तो प्रेमी, इसका दिमाग ही नहीं है और इसका तीन लड़की है, लड़का भी नहीं है। हाँ, तीन लड़के, लड़का भी नहीं है। हस्बैंड क्या करता है? पति यही सब कुछ काम नहीं करता है सर। तो सरकार से अभी तक कुछ नहीं मिला? कार्ड भी नहीं। सारा घर कमा लग गया है? कोई ना है, कोई ना। पहाड़ी गांव की लखिया देवी की मौत के बाद उनके दाह संस्कार में सामाजिक दूरियां मिट गई। हजारों बच्चों का घर में प्रसव करा चुकी लखिया देवी गांव में लोकप्रिय थी। उनके गुजरने से लोगों में गहरा दुख है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पहाड़ीडी गांव की लखिया देवी साधारण महिला होकर भी लोगों में काफी लोकप्रिय थी। लखिया देवी की मौत के बाद उनके दाह संस्कार में सामाजिक दूरियां भी मिट गई। लखिया देवी ने अब तक हजारों बच्चों का घर में प्रसव करवाया है, जिस कारण गांव में वह दाई माँ के रूप में भी चर्चित थी। गर्भवती महिलाएं भी उनसे परामर्श लेने पहुंचती थी। उनके अचानक देहांत से हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय को गहरा दुख है। लखिया देवी के मौत के बाद दोनों समुदाय के लोगों ने मिलजुल कर उनका दाह संस्कार किया और आपसी भाईचारे का भी पैगाम दिया। लखिया देवी का देहांत हुआ आज, जिसको ले गया यहाँ से घाट तक। हम लोग समाज सेवी का आदमी थे और सबका भला करते थे। ये डिलीवरी पेशेंट को देखा करते थे। केवल एक सप्ताह पहले हमारी बहू का साथ ऐसा ऐसा दर्द के हिसाब से हुआ। हमने डॉक्टर के पास ले गए तो उन्होंने जांच लिख दिया। उसके बाद हम आए कि चाची देखिए इस तरह से बात है, बहुत परेशान है, डॉक्टर इतना जांच लिख दिया। घर गया, थोड़ा बहुत उसका सेवा किया बेचारी, और सेवा करने के बाद वो बोला है कुछ नहीं हुआ है, बच्चा थोड़ा सा घुस गया है, उसको निकाल दिए हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं। वो एक सप्ताह हुआ है और एक सप्ताह में आज तक हमारी बहुत सही है। अच्छा नेक आदमी था, जो नेक काम करता था सब जगह का। और हम सभी लोग 12 बजे रात, 10 बजे रात, 11 बजे रात, किसी को भी ऐसा पेशेंट को दिक्कत होता था जाके वो अपना थोड़ा बहुत कर देती थी। आज तो हम लोग गए थे, जैसे इनके घर के लोग थे, जो भी था लॉकडाउन के कारण कुछ रिश्तेदार, इसका जान पहचान जो भी रिश्तेदार आ नहीं पाए, और जब कमी था तो फिर इतना दूर जाना था तो फिर ले के कैसे जाता। तो हम लोग सभी मिल के, हिंदू मुसलमान जितना है, हम लोग सभी जगह का
सभी मिल के हम लोग उसको ले जाने का जगह पर पहुंचा देने का काम किए हैं, इसका अंजाम दिए हैं। और हम लोग को खुशी मिला कि चलो भाई एक नेक व्यक्ति को इस तरह से जगह तक पहुंचा दिए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। वो एक हिसाब से समझिए समाज सेवी थी, गाय का काम करती थी, बच्चा डिलीवरी करवाती थी वो, और एक महल्ला नहीं चार पांच महल्ले में जाती थी, रात भी रात 12 बजे 2 बजे कोई भी किसी भी टाइम में बुलाते थे, चल जाते थे। कहन उसका हल्का फुल्का तबीयत कहन ख़राब हो, इमरजेंसी समझती थी। और इसी को लेकर के आज वो जब देहांत हुई, दोनों समुदाय के लोग थे, हिंदू भी मुस्लिम भी, दोनों 50-50% तो हमको समझ में आया कि दोनों पक्ष थे। रोटरी ग्रेडी ग्रेटर द्वारा रविवार को भी जरूरतमंदों को भोजन करवाया गया, उनके बीच मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। अनलॉक वन में रोटरी ग्रेडी ग्रेटर सामाजिक कार्य में जुटा हुआ है। रविवार को रोटरी ग्रेटर के सदस्यों ने जरूरतमंदों और असहाय लोगों के बीच भेज बिरयानी और पानी बोतल का वितरण किया। भोजन के साथ उनके बीच मास्क और सैनिटाइजर भी बांटा गया। मौके पर विकास सिन्हा, प्रकाश दत्ता, अभिषेक छपरिया, रवि रजगड़िया, गौरव सिंघानिया, अनिल मिश्रा, दीपक संथालिया, मनीष गुप्ता आदि लोग मौजूद थे। रोटरी क्लब ऑफ ग्रीडी ग्रेटर के तरफ से रोटरी आहार नाम से जो श्रमिक आ रहे हैं उनको खिलाने की श्रृंखला चल रही है, जिसका आज 18वां दिन है। इसमें हम लोग 100 पैकेट बिरयानी और पानी का बोतल और साथ में अचार श्रमिक भाइयों और जो हमारे सदर हॉस्पिटल में जो बाहर से इलाज करवाने वाले लोग आते हैं, जो मातृ एवं शिशु चिकित्सा केंद्र में लोग आ रहे हैं, उनको हम लोग जाके भोजन का पैकेट मुहैया करवाते हैं। लेकिन हम लोगों का जो फर्स्ट टारगेट है वो श्रमिक ही हैं, लेकिन कभी कभी श्रमिक नहीं मिल पाते हैं, हम लोग जाके वहाँ बांटते हैं। हमारे क्लब ने पाया कि जो बाहर से इलाज करवाने वाले लोग आ रहे हैं तो होटल वगैरह बंद होने की वजह से खाने पीने का दिक्कत है, तो उन लोगों के बीच में भी जा करके बांटा जाए। बाकी आगे हम लोगों का प्रोग्राम ये है, जो ये रोटी आहार कार्यक्रम है वो चालू रहेगा, और बारी बारी से हम लोग कोरोना वॉरियर्स के बीच में जाएंगे, कभी सफाई कर्मियों के बीच में जाएंगे, कभी नर्सेस के बीच में जाएंगे, कभी जो हमारे मीडिया कर्मी हैं उनके बीच में जाएंगे। और हम लोगों का जो ये कार्यक्रम है ये काफ़ी सफल रहा है, क्योंकि हम लोग टारगेट जो हमारा ग्रुप है तो हम लोग खुद ही अपने क्लब्स के जो मेंबर हैं उसका रोस्टर बना करके 5-5 सदस्य हमारे क्लब से जाते हैं और उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। कार्यक्रम है उसको काफ़ी अप्रिशिएट किया गया है और हमें बताया गया है कि आप इस कार्यक्रम को चालू रखिए। यह था हमारा आज का, फिर मिलते अगले मुख्य खबरों के साथ, तब तक के लिए जयपुर टीम को इजाजत, नमस्कार।